देखिए इस वक्त विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज विधानसभा के पटल पर बजट पढ़ा जाएगा जो कि आम लोगों का बजट होगा, ऐसा कहना है वित्त मंत्री का। ऐसे में बजट से हटकर यहां पर तीसरे दिन भी, सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष जो है लगातार पेपर लीक मामले पर अड़ी रही। पेपर लीक में CBI जांच जो है वो उनका मुद्दा बना रहा और विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और वो खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। राज्य में CBI जांच हो क्योंकि SIT पर हमें भरोसा ही नहीं है। SIT राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, ऐसे में हम चाहते हैं कि CBI जांच करवाए राज्य सरकार और तब जाकर पता लग पाएगा कि पेपर लीक मामले में असली संलिप्तता किसकी रही है। एक महीना हो गया और एक महीने में भी प्रश्न पत्र का लीक करता कौन है, कहाँ से लीक हुआ, वहाँ तक शासन और प्रशासन, राज्य की JMM सरकार, कांग्रेस सरकार, RJD सरकार नहीं पहुंच पाई है। आखिर एक महीना बहुत होता है। आप कह रहे हैं कि हमें SIT पे भरोसा है, राज्य की जनता को और झारखंड के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते ही न्याय होगा। और हम इसलिए कहते हैं कि CBI जाँच कराइए, अगर CBI जाँच हो जाएगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से न्याय होगा। देखिए एक महीने में इन लोगों ने रफा दफा करने के लिए दर्जनों अधिकारी जो SIT में थे उनका तबादला कर दिया। आखिर क्यों तबादला किया? जब तबादला किया अब नए अधिकारी आएंगे तो नए सिरे से जांच होगी, नए सिरे से जांच होगी तो आप ही बताइए कि और विलंब होगा कि नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं, राज्य सरकार, अगर चंपई सरकार ईमानदार है, JMM सरकार ईमानदार है, कांग्रेस सरकार ईमानदार है, तो आपको क्या परेशानी है CBI जाँच कराने में? आप CBI जाँच करा लीजिए, आप घोषणा करिए, निर्विघ्न सदन चलेगा, आपको भरोसा दिलाता। ये लोग पागल हो चुके हैं और युवा विरोधी है। झारखंड के तमाम युवाओं से कहेंगे कि ये ढोंगी लोगों के बहकावे में मत आइए। इसकी मंशा है जांच कराना है, इसकी मंशा नहीं है कि एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराएं। इसलिए अगर हमारी सरकार ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया तो ये लोग किस मुँह गिरेंगे ये लोग खुद जानते हैं। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ अपने तमाम युवाओं से, आप लोग यकीन मानिए, विश्वास कीजिए हमारी सरकार पर और यकीन मानिए राहुल गांधी जी पर। उनका निर्देश आ चुका है और बहुत जल्द हमें लगता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और नई बहालियां चालू हम लोग कराएंगे और जो पेंडिंग रिजल्ट है वो भी जल्दी आएगा। कोई आश्वासन मिला? बिल्कुल, हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री से हम लोग बात किए और मैं काफ़ी गंभीर हूँ और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इन पाखंडियों की बातें मत आइए, ये युवा विरोधी है, 18 साल ऐसे ऐसे नियम इन लोगों ने बना दिया जिसका ये साइड इफेक्ट है। आज रही बात, ठीक है अगर एग्ज़ाम में कोई धांधली हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जांच कराइए, कौन मना किया है जांच कराने से? तो हमारी सरकार जांच करा रही है, वो जांच प्रक्रिया में तो समय लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम मेरा पेंडिंग में चला जाए और हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए और समय बर्बाद हो जाए। तो हम अपने युवाओं के, फिर से मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यकीन मानिए इरफान अंसारी युवाओं के साथ है, कांग्रेस पार्टी JMM RJD आपके साथ है। हम लोग हर चुनौतियों का मुकाबला करेंगे और इन पाखंडियों का जो है इसको बेनकाब करेंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।